So when I came to know about Judima, I was very much excited about it. I was more excited about reaching Half Long, even though it is a long ride. Judima basically means Jew, means rice wine, and Dima is basically the name of the tribe, the Dima Hassan. The entire process of making it is something very wonderful. जो हमारे यहाँ तो जंगल ज़्यादा होता है ना, जंगल का जो गच्ची होता है, काट करके सुखाना पड़ता है। सुखाने के बाद में उसका छोटा-छोटा करके टुकड़ा करेंगे। टुकड़ा करने के बाद में उसका हमारे जो राइस होता है ना, राइस का थोड़ा गुरा करके उसे मिक्स करते हैं। जिडीमा पिया बहुत बार है, लेकिन बनाने में आज पहली बार इसमें मैंने खुद अपने हाथ से थोड़ा कंट्रीब्यूट किया है और पता लगा कि वो पीने में जितना इजी है कि बनाने में कितना लंबा प्रोसेस है। ने का होले होगो ने सूखने के बाद में वो घर में रख सकते हैं, एक महीना एक साल भी रख सकते हैं उसका। कौन बनाता है ये? तो ज्यादातर के हम लोग लड़कियां बनाते हैं। लड़कियां बनाते हैं, लड़कियां बनाते हैं, लेकिन वो लोग नहीं पीते, हम लोग पीते जो हम लोग ने राइस को हम लोग बॉइल किया ना, उसको अभी सुखाने के लिए यहाँ पे ऐसा चला रहे हैं। और ये सूख जाने के बाद हम लोग यहाँ पे जो बिस्किट जिससे बनाया उसको यहाँ पे मिक्स करेंगे। जुडीमा में जो टेस्ट आते हैं ना, जो स्वाद आता है, उसी के वजह से आते हैं। मैं रख सकता है, हाथ धो लिया मैंने। So now I'm taking the rice which is mixed with the powder hemra and then putting it aside to store it. सबसे पहले जो हम लोग विशु हवा फेस्टिवल जो भी हम लोग भगवान के आगे में देगा, पहले अर्पित करेगा, उसके बाद में जो बचता है वो हम लोग पर अर्पित करता है।